आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू चिली मिली फूड्स। आज एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको देने जा रही हूँ रेसिपी चिकन नगेट्स की। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनमें ये मेरे पास चिकन बोनलेस ब्रेस्ट है 1 kg, इसको क्यूब्स में हमने काट लिया है। प्लस मेरे पास 3 slices ब्रेड के हैं, इसकी मैंने ब्राउन साइड्स उतार दी हैं। 3 जवे मेरे पास गार्लिक के हैं, क्योंकि ये बड़े साइज के हैं तो मैं 3 यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास स्मॉल हैं तो आप 4 यूज करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 eggs और इनको हम चॉप करेंगे, लेकिन स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बाकी की बताती जाऊंगी। तो अभी इसमें चिकन में मैं ये ऐड कर रही हूँ, ये चिकन ब्रेड स्लाइसेस और गार्लिक। एग मैं इसमें बाद में ऐड करूंगी, साथ में चॉपर में चॉप करते हुए। प्लस 1 tablespoon इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप थोड़ी क्वांटिटी इसकी कम भी रख सकते हैं, ये अपने टेस्ट के मुताबिक। प्लस 1 tablespoon इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर। 2 tablespoon इसमें मैं ऐड करूंगी सोया सॉस। सोया सॉस ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं मिक्स कर देती हूँ। प्लस 1 tablespoon इसमें मैं यूज करूंगी चिली सॉस। अब इसको सबसे पहले हम चॉप करेंगे चॉपर में। कि जी ये मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ हाफ करके, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड करके इसको चॉप करेंगे। प्लस 1 egg मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ओके जी, ये चॉप हो चुका है, ये अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन चुका है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी का जो है उसको भी हम ऐसे ही चॉप कर लेंगे। अब ये बाकी का भी मैं इसी तरह से कर लूंगी और दूसरा एग भी मैं इसी तरह चॉपिंग के दौरान इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन चॉप हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 tablespoon मस्टर्ड पाउडर, इसको एक अच्छा टेस्ट देता है। प्लस ये मेरे पास है 3 tablespoon प्लेन फ्लावर यानी के मैदा, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट स्पाइसेस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें रेड फ्रेश चिली ऐड कर सकते हैं, चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं। चलिए ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ये किनोर यखनी का एक पैकेट ऐड कर रही हूँ, जस्ट इसको एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके जी, अब मैंने ये पैन लिया है, ये मेरे पास स्क्वायर में है 8x8 inches का। अगर आपके पास रेक्टेंगल है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं ये चॉप्ड हमारा जो चिकन है वो इसमें मैं लगा दूंगी। इस पैन को मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और नीचे मैंने इसके बटर पेपर लगाया है साथ में। अब आप हाथ को हल्का सा ऑयल या वाटर लगा के तो इसको इक्वली बैलेंस कर लें, हर तरफ से ये लेवल करके फिर हम इसको स्टीम करेंगे। अब लेवल करने के बाद अगर आपके पास स्टीमर है या फिर बड़ा पतीला है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसमें ये पैन रख के इसको स्टीम करेंगे 30 मिनट्स के लिए। मेरे पास बहुत बड़ा पतीला नहीं है तो इसलिए मैं इसको बेक करूंगी 180°C पे 15 मिनट्स के लिए। और इसको मैं सबसे पहले कवर करूंगी एल्युमिनियम फॉइल के साथ। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है एल्युमिनियम फॉइल के साथ। तो अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ 15 मिनट्स के लिए। बेक करने के बाद अब हम इसको खोलते हैं और ये देखें ये इस फॉर्म में आ चुका है। इसने किनारे साइडों से छोड़ दिए हैं और दरमियान में इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है।
तब इसको हम ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा उसके बाद हम इसको काटेंगे। ओके जी, हम अब इसका बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर, प्लस इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, और पानी के साथ इसका बैटर बना लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। साथ में हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, आप कोई भी ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं, इवन सीजन्ड वन। अगर आप चाहें तो आप बैटर में भी कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, इसको मैं साइडों से इस तरह नाइफ के साथ अलग कर लूंगी ताकि ये आराम से बाहर निकल आए, और इसको हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं। अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इस फॉर्म में अब आ चुके हैं। इसी तरह से हम सबको काट लेंगे। आप इनकी चौड़ाई विड्थ जो है वो अपनी पसंद से रख सकते हैं, जितना आपको ये मोटा चाहिए या स्लाइस इसका थिन चाहिए वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। आपने बेक करते हुए या स्टीम करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि इसका कलर चिकन का जो है वो चेंज हो जाए, तो उसके बाद आप निकालेंगे। ये तकरीबन 30 मिनट्स लेता है, 30 to 40 मिनट्स। ये हमारे नगेट्स कट चुके हैं, अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। अब हम 1 by 1 नगेट लेंगे, इसको हम डिप करेंगे बैटर में और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। इसको हम साइड पे लगा के रखते जाएंगे। ये कोटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये टोटल आपके पास 1 kg में 45 to 50 के करीब बनेंगे इस साइज में। अब अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, किसी भी ज़िपलॉक में डाल के इनको फ्रीज कर लें, और जब भी जरूरत हो इनको निकालें और फ्राई कर लें। तो चलिए मैं आपको कुछ जो है वे फ्राई करके दिखाती हूँ। अब ऑयल हमारे पास गर्म हो चुका है, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। इनको आपने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है, तो हम इनको जस्ट एक गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। इन्हें एक अच्छा नाइस कलर आ चुका है गोल्डन कलर, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ओके जी, ये माशाल्लाह से हमारे चिकन नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। कुछ इनमें से मैं ऐसे ही फ्रीज कर लूंगी, कुछ मैंने फ्राई किए हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये मैं आपको दिखा भी दूं, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से ये देखें बहुत ही जूसी बनते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज की रेसिपी के साथ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।